गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा था एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने ये मसालों के अंदर गिरावट आती हुई देखी थी। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही ट्रेंड देखने को मिला है। मसालों में आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आ सकते हैं। जीरे में सपोर्ट 13,700, रेजिस्टेंस 14,300। टर्मरिक में सपोर्ट 5,560, रेजिस्टेंस 5,790। कुरेंडर में सपोर्ट 6,450, रेजिस्टेंस 6,700। स्पाइसेस के अंदर ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो एडिबल ऑयल में कल हमने मिला जो रुख देखा, एक्सपेक्टेड है कि आज भी एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सोयाबीन में सपोर्ट 4,370, रेजिस्टेंस 4,570। आरम सीड सपोर्ट 6,100, रेजिस्टेंस 6,280। रिफाइंड सपोर्ट एट 1,060, रेजिस्टेंस 1,090। CPO सपोर्ट 1,925, रेजिस्टेंस 955। तो एडिबल ऑयल्स में एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ग्वार सीड, ग्वार गम और चने की बात करें तो वहाँ हमने नेगेटिव ट्रेंड बनते हुए देखा। एक्सपेक्टेड है कि आगे भी ग्वार सीड, ग्वार गम में नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है। ग्वार गम में सपोर्ट 6,090 का, रेजिस्टेंस 6,320। ग्वार सीड में सपोर्ट 3,990, रेजिस्टेंस 4,190। चने के अंदर सपोर्ट 5,150, रेजिस्टेंस 5,370। तो ये ट्रेंड ग्वार सीड, ग्वार गम और चने में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो वहाँ पर हमने भावों में एक मिलाजा रुख देखा है। हालांकि लोअर लेवल से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, तो कॉटन के अंदर आगे भी तेज़ी रह सकती है। इंट्राडे के लिए बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। कॉटन में सपोर्ट 19,500, रेजिस्टेंस 20,300। तो कॉटन के अंदर भी बाय लोअर लेवल्स पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।